नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मर्सिडीज़ कार का लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पर सीधे चले जाना है स्टार पर। स्टार सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको इसके जो रेट्स होंगे वो आपको 3 करने हैं। यहां से इसको 3 कर दीजिए। 3 करने के बाद स्टार को इस तरीके से ड्रॉ करिए, बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ करने के बाद नीचे आइए और यहाँ से आपको लेना है पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको नोट्स पर क्लिक करना है, बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे आ जाना है, इस नोट पे डबल क्लिक कर देना है और इसी तरीके से इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ से इस नोट के ऊपर डबल क्लिक करना है और एज इट इज़ यहाँ पर क्लिक करके इस नोट पे डबल क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है शेप को। उसके बाद इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा सीधा कर लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद अब हमें इस कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना है, हमें सीधे चले जाना है स्मार्ट फिल टूल पर। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइटली आपको ग्रे कलर लेना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डार्क में ग्रे कलर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डार्क कलर लेना है इस तरीके से। यहाँ से देखिए कलर्स आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। डार्क कलर ले लिया हमने और नीचे क्लिक करके यहाँ से हमने लाइट कलर ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी जो शेप होगी वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। 3D में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे को एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल जी कर देना है। कंट्रोल जी से आपका ये जो एंगल होगा वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसको उठा करके आपको साइड में रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से एक एलिप्स लेना है और एलिप्स इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से एलिप्स आपने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपको शिफ्ट को दबा के रखना है और इस एलिप्स को हल्का सा छोटा करना है, बिल्कुल इस तरीके से, और राइट क्लिक कर देना है। इस तरीके से छोटा करने के बाद आप इन दोनों को एलिप्स को एक बार सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ट्रिम का एक ऑप्शन आएगा। इस ट्रिम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। होगा क्या, आपका एंगल ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से छोटा कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। छोटा करने के बाद आपको यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद यहाँ से आपको इस शेप के अंदर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डार्क कलर ले लेना है और ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको लाइट कलर ले लेना है और उसके बाद इसके अंदर जो एलिप्स था उसको बाहर निकाल करके आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। डिलीट करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल जी के साथ ग्रुप हमने पहले से ही कर रखा है, इसको उठा करके आपको इसके ऊपर रखना है और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इस तरीके से सेट करना है आपको। थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, बिल्कुल इस तरीके से, और उसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करते हैं इस तरीके से। और उसके बाद इस शेप को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि इससे बिल्कुल टच में आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी करके आपको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद F4 F9 आप देखेंगे आपका मर्सिडीज़ का लोगो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोरल ड्रॉ के अंदर मर्सिडीज़ का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।